Hello everyone, मेरा नाम है महलीच और welcome to my YouTube channel. आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो कि मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रोजाना ऐसे केसेस आते हैं और ऐसी हरकतें दिखती हैं हमको जिन पे हम जितनी बात करें वो कम है. हमने सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ही देखा कि कितनी सारी ख्वातीन हैं जिनके हस्बैंड ने या उनके बॉयफ्रेंड्स ने या उनकी फैमिली वालों ने ही उनको कत्ल करके मार दिया. कितनी सारी औरतें हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात आए और उनको भी मार दिया. हरासमेंट के केसेस तो रोजाना के पाकिस्तान में होते हैं. मेरे ख्याल से कोई ऐसी औरत होगी जो शायद बची हो हरासमेंट से पाकिस्तान में, मगर फिर भी हमारा मीडिया या हमारे जो मर्द हैं पाकिस्तान के उनको ये नहीं दिखता है. उनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं. पाकिस्तान में एक दिन या दो दिन तक तो ट्रेंड चलता है जस्टिस फॉर दिस जस्टिस फॉर दैट, बड़ा गुस्सा दिखाया जाता है, और तीसरे दिन ही वो नैरेटिव बदल जाता है कि हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं ये औरतें और विक्टिम ब्लेमिंग फौरन शुरू हो जाती है. तो हमने नूर मुकदम के केस में सुना कि वो वहां करने क्या गई थी, उसका उस बंदे के साथ ताल्लुक क्या था. अगर आप नामहरम के साथ इस तरीके से करोगे तो अंजाम तो उसका यही होगा, क्योंकि जो शरीयत ने हमको बताया है वो तो ये है नहीं. और अगर आप शरीयत और इस्लामिक लॉ नहीं फॉलो करेंगे तो ये तो आपका अंजाम होगा ही. ये जस्टिफिकेशन हमको दी थी इमरान खान जर्नलिस्ट ने. अब जो आयशा का जो केस आया है जो मीनारे पाकिस्तान पे हुआ था, उस पर भी विक्टिम ब्लेमिंग फुल टाइम स्टार्ट है कि आयशा का रोमियो के साथ क्या ताल्लुक था. वो भाई बहन तो लगते नहीं है, उनका भी नाम महरम ताल्लुक था, वो लिव इन रिलेशनशिप में थे. उस लड़की ने वो सब लोगों को वहां पे खुद बुलाया था. वो लड़की चाहती थी कि उसको सारे लोग इस तरीके से हाथ लगाए. तो ये सारी जस्टिफिकेशन चल रही थी. फिर हमारे सामने एक केस आया जहां पर दो लड़कियां रिक्शे में जा रही थी और उनको भी इतनी बुरी तरीके से अब्यूज किया गया. खैर, हम तो ये दिखा के थक गए हैं, मगर जिन लोगों के पास दिमाग नहीं और जिन लोगों ने ये ठान ली है कि चाहे कोई भी बात क्यों ना हो हमने हमेशा औरत पे ही ब्लेम डालना है, और ये सारे जो ब्लेम डालने वाले होते हैं और इन्होंने जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, ये सारे के सारे मर्द हजरात होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पता है कि औरत को किस तरीके से अब्यूज किया जा रहा है, ये औरत क्या चाहती है, औरत की क्या राइट है. खैर, आप लोग ये वीडियो देखें और फिर वापस आते हैं और फिर इस पर बात करते हैं.
तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये बंदी अपने ऑफिस में काम कर रही थी और इसका कोवर्कर ही जो है, जो मैनेजर है इसका, आई थिंक वो इसको बहाने बहाने से आकर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। मगर इसमें गलती इस लड़की की है। इस लड़की की गलती इस वजह से है कि ये क्या सोचकर बाहर निकली अपने घर से। आई मीन, इसने क्या सोचा था कि आप जॉब करने जा रही हो तो आपके साथ क्या होगा? आप तो मर्दों को टेम्प्ट तो करेंगी। उसके अलावा इसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, आई मीन ना आपने छलवार कमीज पहनी, इतना बेहूदा लिबास पहन के आप घर से बाहर निकल के जॉब करने जाएंगी तो ये तो आपके साथ होगा ही, क्योंकि ये तो हमारी शरीयत और हमारे कल्चर के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो ये आपने अपने ऊपर खुद ही डाला है, इसमें उस मर्द का कोई कसूर नहीं है। अब मर्द रोबोट तो हो नहीं सकता कि वो अपनी ख्वाहिशें जो है वो अंदर दबा के रखे। तो ये वीडियो वायरल होने वाला है, आई गेस वायरल हो जाएगा। तो उसके बाद की जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, क्योंकि ये चीजें यही आएंगी और वही घिसे पिटे हमको जवाब मिलेंगे, वही घिसी पिटी विक्टिम ब्लेमिंग होंगी। इसका क्या किया जाए, इसका क्या हल होगा, इस पे हम कब तक बात करते रहेंगे? ऐसे लोगों का दिमाग हम किस तरह बदल सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको सोचना चाहिए और हमको इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि मुझको तो, मैं तो थक गई हूँ इन चीजों पे बात करते करते, वीडियोस बना बना के। मगर हमें नहीं लगता कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, जैसे कि वकार ज़का हो गए, या मुफ्ती तारिक जो है हमारे मुफ्ती साहब वो हो गए, या इंजीनियर मिर्जा हो गए, या खलील रहमान जैसे कमीने लोग, वो तो विक्टिम को ही ब्लेम करेंगे। इसमें मर्द का तो कोई हाथ ही नहीं है। मगर मेरा ये रिजल्ट है कि भाई, अगर मर्द कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, तो मर्द को आप घर के अंदर बांध के जंजीरों से रख दो, क्योंकि एक ऐसा हैवान है जिसपे अपने ऊपर तो कोई कंट्रोल है ना, ही उनसे रिक्वायर किया जाता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखें। तो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।